गाइस सब्सक्राइब करो टेक बार को और क्वालिटी वीडियोस देखो हिंदी में और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, मेरा नाम है संचित और आज है मेरे पास ये बीस्ट जो कि है एप्पल iMac 2017 और आज मैं इसको रिव्यू करूंगा। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मशीन जो है नॉर्मल यूज के लिए नहीं है। अगर आपको कोई प्रोडक्टिविटी के लिए मशीन चाहिए तो वो होगी iMac 2017। अब इसके थोड़े से हार्डवेयर के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें हमें मिलता है 3.4 GHz का क्वाड कोर इंटेल कोर i5 प्रोसेसर, 8 GB की DDR4 रैम जो की 2400 MHz पे काम करेगी, 1 TB की फ्यूजन ड्राइव और रेडियन प्रो 560 हमें इसमें मिलता है 4 GB की वी रैम के साथ। बहुत ही इंप्रेसिव हार्डवेयर है इसका। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जब हमें बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाले सॉफ्टवेयर यूज करने हो, जैसे कि हमारा हो गया फाइनल कट, ऑटो कैड, फोटोशॉप या फिर बहुत ही हाई ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर, उसमें जो है हमारा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैक ओएस, वो बहुत ही अच्छा काम करता है और इसीलिए लोग इसको खरीदते हैं। अब एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस एक्स, अगर आपने देखा हो तो किसी भी बड़े स्टूडियो में जाते हो या किसी भी बड़े वर्क एनवायरनमेंट में जाते हो तो वहां पर आपको मैक ही डिवाइस देखने को मिलेंगे। अब इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारी मैक ओएस एक्स है वो इतनी ज्यादा स्टेबल है ना, इसमें ज्यादा हमारे सॉफ्टवेयर क्रैश होते, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें इसमें मिलती है, बहुत ही स्मूथ इसकी यूआई है। अब ये कुछ ऐसे रीजन के चक्कर में लोग मैक ओएस एक्स बिल्कुल छोड़ ही नहीं पाते। हमें ये स्टेबिलिटी विंडोज में कभी भी देखने को नहीं मिल सकती। विंडोज इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है जितना हमारा एप्पल का मैक ओएस एक्स है और ऑब्वियसली स्टेबिलिटी तो बोनस है ही। अब यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात खत्म नहीं होती, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है एप्पल कंप्यूटर्स के लिए, जैसे फाइनल कट हो गया और म्यूजिक की कुछ एप्लीकेशंस है जो बहुत ही हाई लेवल की है और वो बहुत ही अच्छा काम करती है और बिल्कुल एक्सक्लूसिव है एप्पल कंप्यूटर्स के लिए। तो ये भी एक रीजन है जिसके चक्कर में लोग iMac या किसी भी एक एप्पल कंप्यूटर को खरीदते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो इसमें कोई शक नहीं है कि एप्पल का कोई भी कंप्यूटर उठा लो, उन सब की परफॉर्मेंस बिल्कुल कमाल की होती है। इनकी परफॉर्मेंस का बिल्कुल भी मैच नहीं हो सकता किसी भी कंप्यूटर से। अब इस iMac से पहले मैं यूज करता था एप्पल का मैकबुक एयर और उससे भी पहले मैं यूज करता था एप्पल का मैकबुक प्रो, और आप मानोगे नहीं, इस iMac की परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग है अपने सारे कंप्यूटर से कि मेरे को ये कहना पड़ेगा कि जो स्पेसिफिक कंप्यूटर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर होती है नॉर्मल लैपटॉप से। तो अगर आपको बिल्कुल ही हाई परफॉर्मेंस चाहिए हो तो ये iMac आपके लिए है। पहले मैं अपने DSLR से लो क्वालिटी में शूट करता था जिससे एडिटिंग के टाइम पे ज्यादा बर्डन ना पड़े लैपटॉप को। अब मैं करता हूँ बिल्कुल हाई क्वालिटी में शूट और उसको एडिट करता हूँ अपने iMac में, जिसमें मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, एक भी फ्रेम लॉस नहीं होता। और इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी संभालना एडिटिंग के साथ अपने में ही बहुत बड़ी बात है। बाकी अगर मुझे इस मशीन में कोई भी कमी निकालनी हो तो हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि एप्पल को 16 GB रैम देनी चाहिए थी 8 GB की जगह। चलो बात करते हैं iMac के डिजाइन के बारे में, जिसका मैं बहुत ही बड़ा फैन हो चुका हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में डिजाइन देख रहे हैं ना, इतना ही सुंदर ये रियल लाइफ में है। ट्रस्ट मी, इस मशीन के प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल जस्टिफाइड है। और अगर मैं iMac की 4K डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इतनी अच्छी डिस्प्ले है कि इसने तो मेरे LED TV को भी फेल कर दिया। इतनी ज्यादा क्रिस्प है, इतनी प्रॉपरली सैचुरेटेड है कि सच में मैं शॉक हूं कि इतनी अच्छी डिस्प्ले कैसे बना दी। हां, मैं मानता हूं कि मैं मार्केट में जाके इससे भी अच्छा 4K मॉनिटर खरीद सकता हूं और उसको मैक मिनी के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, बट मुझे ऐसे पूरा कंप्लीट पैकेज उसमें नहीं मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है इसमें। डिस्प्ले और डिजाइन के बारे में यही कहना चाहूंगा कि इन दोनों के ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना सकता हूं 15 से 20 मिनट की, इतनी पसंद आई मुझे। अब बात करते हैं एप्पल के मैजिक माउस के बारे में, जिसका मैं बहुत ही बड़ा फैन हो चुका हूं। इतना सुंदर माउस है ये, इसका इतना एलिगेंट डिजाइन है, इतना मॉडर्न डिजाइन है, इतना फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, कितनी भी सारी टर्म्स दे दो इसको वो भी कम पड़ेगी। इतना अच्छा माउस है। हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एडिटिंग के टाइम पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, स्वाइप और ये सब कुछ करने में दिक्कत होती है, बट स्टिल जो इसका डिजाइन है ना, इसकी कमियों को छुपा देता है। हम इस माउस को अपने iMac के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं और बहुत ही फास्ट पेयरिंग होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम इस माउस की बैक साइड को देखें तो ऊपर की तरफ हमें दिखेगा ये ऑन ऑफ का बहुत ही प्रीमियम बटन, नीचे की तरफ हमें चार्जिंग का पोर्ट मिलेगा। लास्ट में कंक्लूजन यही देना चाहूंगा कि एप्पल का जो मैजिक माउस है काफी रिस्पॉन्सिव है, काफी एक्यूरेट है, बस शिकायत मुझे उससे है, बट मैं वो इग्नोर कर सकता हूं। और अगर मैं बात करूं इस माउस की बैटरी बैकअप की तो मुझे मिला 28 डेज का बैटरी बैकअप, जो कि मेरे हिसाब से एवरेज ही है। चलो बात करते हैं इस एप्पल कीबोर्ड के बारे में, जिसका मैं फैन हो चुका हूं।
इससे सुंदर कीबोर्ड मैंने आज तक नहीं यूज़ करा। इतना अच्छा कीबोर्ड है, इसकी जो कीज़ है इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है कि मैं इलेबोरेट नहीं कर सकता कि कितना मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। अगर मुझे एप्पल कीबोर्ड को एक वर्ड में एक्सप्लेन करना होगा ना, तो वो होगा परफेक्शन। अब लास्ट में बात करना चाहूँगा इसकी कनेक्टिविटी के बारे में, मतलब कि हमें इसमें कौन कौन से पोर्ट्स मिलते हैं। तो हमें इसमें मिलते हैं 4 USB पोर्ट, 2 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट, 1 हेडफोन जैक, 1 ईथरनेट पोर्ट और 1 SDXC कार्ड स्लॉट। अब ये वही सारे पोर्ट है जो हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए होती है। एप्पल ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी, सारे पोर्ट्स दिए, मैं बहुत खुश हूँ। अब लास्ट में रिव्यू खत्म करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आउटस्टैंडिंग मशीन है ये। अगर आपको प्रोडक्टिविटी के लिए कोई भी मशीन चाहिए तो वो होगी iMac 2017। अगर मैं इस मशीन में कोई भी कमी निकालने गया तो वो जबरदस्ती की होगी, मुझे इससे बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, मैं सच में इस मशीन से बहुत खुश हूँ। और लास्ट में एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर बजट है 1 लाख रुपए का तो आईफोन 10 की जगह ये खरीद लेना बहुत अच्छा ऑप्शन है। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।